पिडिम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मापुसा गोवा में 6, 7 और 8 जुलाई 2024 को युवा खेल परिषद भारत द्वारा आयोजित चौथा जूनियर सब जूनियर सीनियर यूथ गेम्स नेशनल चैंपियनशिप में देश भर के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इसमें अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और गोवा सहित कई राज्यों के खिलाड़ी शामिल थे। इस प्रतिष्ठित चैंपियनशिप में जय श्री श्याम कराटे अकादमी के 4 बच्चों ने हिस्सा लिया और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। अंडर 14 वर्ग में रजत राजभर, कमल सिंह लाखनोत और अनमोल डाबी ने काथा और कुमेते में गोल्ड मेडल जीतकर अपनी अकादमी का नाम रोशन किया। वहीं अंडर 15 वर्ग में ताशु बलाई ने गोल्ड मेडल और कबड्डी में सिल्वर मेडल जीतकर अपनी कौशल का प्रदर्शन किया। मैं 1 साल हो गए मुझे सीखते हुए, ओम प्रकाश सर से सीख रहा हूँ। मैंने बहुत टूर्नामेंट खेले और फिर मेरा नेशनल में सिलेक्शन हुआ। फिर मैं गोवा खेला, गोवा में मेरे सामने महाराष्ट्र का खिलाड़ी आया, फिर मैंने उससे जीतकर मैंने गोल्ड 2 गोल्ड मेडल जीते। मैं आगे ओलंपिक और WKF खेलना चाहता हूँ और भारत का नाम रोशन करना चाहता हूँ। मैं पहले हमें सर सिखाने आते थे, ओम प्रकाश जी सर सिखाने आते थे हमारे झाग प्रेम पाठशाला, झाग आई इंडिया संस्था स्कूल है हमारी झाग में, वहाँ पर सिखाने आते थे हमें पहले। फिर मैं 9th में थी, मेरी पढ़ाई की वो हो रही थी तो मैंने अकेडमी ज्वाइन की सर की, श्री श्याम कराटे स्पोर्ट्स अकेडमी। मैंने यहाँ से ट्रेनिंग ली 2 महीने तक, फिर मेरा गोवा सिलेक्शन हुआ, मैं गोवा खेलने गई, नेशनल खेला मैंने और अच्छा खेला कि इतना अच्छा खेला कि मैं गोल्ड निकाल सकी। आगे भी मैं अच्छा खेलना चाहती हूँ, कुछ अच्छा करना चाहती हूँ। मेरे को वहाँ 3 मेडल मिले, 2 गोल्ड 1 सिल्वर। सर मैं गोवा नेशनल खेल के आया हूँ अभी, मेरे को 8 साल हो गए सीखते हुए। मैं 6 साल का तब से सीख रहा हूँ ओम प्रकाश सर के पास ही, और मैं कम से कम 60-70 मेडल लेकर अभी तक मैंने हासिल किए हैं और नेशनल इंटरनेशनल तक खेल चुका हूँ मैं अब तक। गोवा में 2 गोल्ड मिले, काथा एंड कुमेते हैं दोनों में। मेरे अलावा भी काफ़ी कॉम्पिटिटर थे, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और तमिलनाडु, उनके अच्छे कॉम्पिटिशन था मतलब एक तरह से। आगे मैं ओलंपिक इंटरनेशनल WKF का मतलब गोल्ड मेडल लाना चाहता हूं इंडिया के लिए। अकादमी के कोच ओम प्रकाश निर्वाण ने बच्चों को प्रोत्साहित किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। मेरी एकेडमी से कम नहीं तो 20 इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं जो आज इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आने वाले समय में भी रिप्रेजेंट करते रहेंगे। सपना एक ही है कि मेरी अकेडमी से बच्चे WKF में खेले, वर्ल्ड कप में जाए, ओलंपिक में जाए और इंडिया का नाम रोशन करें। जनता दरबार में फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए जनता दरबार के साथ।